चंदौली से सटे हुए रामनगर में 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर धूमधाम से पूरे उत्सव के साथ मनाया गया। रामनगर शास्त्री जी के स्मारक पर माल्यार्पण करके पूरे उत्साह के साथ मनाया। आपको बताते चले कि व्यापार मंडल, सराफा व्यापार मंडल, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अधिकारी, कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पूर्व सभासद महिलाएं मौजूद रही। मुख्य अतिथि राजेश प्रताप गुप्ता व शमशाद खान ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता का जोरदार स्वागत किया। पूरे उत्सव के साथ शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। मैं इस समय वाराणसी के रामनगर चौराहे में खड़ा हुआ हूं और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। आइए इस विषय में मैं इनसे बात करता हूं। परिचय बताएं सर। अशोक कुमार विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी। आज जो है राष्ट्रीय पर्व, आज के दिन रामनगर में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय स्वच्छता यहाँ संगठन और आसपास के समाज उपस्थित है। रामनगर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भरा हुआ नगर है और आज के इस अवसर पर हम अमर शहीद सैनिकों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और राष्ट्र को। अच्छा सर, ये अभी इलेक्शन का चल रहा है, अभी क्या आप इसके विषय में क्या आप कहेंगे सर? आज का जो अवसर आज राष्ट्र को, देखिए जिस तरह से हमारे नेता जी ने कहा, इनको पूरे उत्सव के साथ यहाँ पे रामनगर चौराहे में मनाया जा रहा है। परिचय बताइए सर अपना। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शमशाद खान। आज हम सब लोग गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अशोक विश्वकर्मा जी और हमारे बीच में नंदलाल जी, ओम प्रकाश जी जो हमारे बीच में कैंट विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं और हम लोगों की दिली इच्छा भी है, हमारे बीच में सभी लोग आए हैं। इस रामनगर की सभी सम्मानित जनता नगर कांग्रेस कमेटी के साथ जुड़ करके हर वर्ष, इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम करते हुए फिर हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री पर आकर के माल्यार्पण किया और उनसे आशीर्वाद दिया जो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का।